मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास टेंथ के सप्लीमेंट्री सेक्शन से माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दैट नाइट आई वॉक्ड ओवर टू लुलांग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। दैट नाइट उस रात्रि आई वॉक्ड ओवर टू लुलांग्स रूम मैं लुलांग के कमरे तक गया। इन द ओलंपिक विलेज ओलंपिक गांव में टू थैंक मुझे धन्यवाद देने के लिए। ओलंपिक गांव में उस रात को मैं लुलांग के कमरे में उसे धन्यवाद देने गया। आई नो मैं जानता हूँ दैट इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम मैं जानता था यदि वह ना होता तो आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे तो मैं अगले दिन होने वाले निर्णायक कूद में मैं न कूद पाता। बी सैट इन हिज क्वार्टर्स हम उसके कमरे में बैठे एंड टॉक्ड फॉर टू आवर्स और दो घंटे तक बात किए अबाउट एथलेटिक्स खिलाड़ियों के बारे में आवर्स स्वयं के बारे में द वर्ल्ड सिचुएशन सांसारिक स्थिति के बारे में आई डजन अदर थिंग और दर्जनों ऐसे अन्य विषयों पर। दैट नाइट आई वॉक्ड ओवर टू लुलांग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम ओलंपिक गांव में उस रात को मैं लुलांग के कमरे में उसे धन्यवाद देने गया। आई नो दैट इफ ही हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे मैं जानता था यदि वह ना होता तो अगले दिन होने वाले निर्णायक कूद में मैं न कूद पाता। We sat in his quarters and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situation, a dozen other things. हमने उसके कमरे में बैठकर खिलाड़ियों स्वयं अपने सांसारिक स्थिति और दर्जनों ऐसे अन्य विषयों पर 2 घंटे तक बातचीत की। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship has been formed. When I finally got up to leave, जब मैं उसे छोड़ने के लिए उठा, we both knew हम दोनों जानते थे that a real friendship की एक सच्ची मित्रता has been formed बन चुकी थी। अंत में जब मैं चलने के लिए उठा तो हम दोनों ने अनुभव किया कि हम में सच्ची मित्रता हो गई है। लुज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे लुज अगले दिन स्टेडियम में जाएगा ट्राइंग टू बीट मी मुझे पीटने के लिए मतलब मुझे हराने के लिए। इफ ही कुड यदि वह कर सकता था लुज कल स्टेडियम जाएगा और मुझे हराने का हर संभव प्रयास करेगा। बट आई न्यू दैट He wanted me to do my best, लेकिन वह चाहता कि मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूं। Even if that want my winning, चाहे ऐसे करने में मेरी जीत ही क्यों ना हो जाए। When I finally got up to leave, we have both knew that a real friendship has been formed. अंत में जब मैं चलने के लिए उठा तो हम दोनों ने अनुभव किया कि हम में सच्ची मित्रता हो गई है। लुज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड लुज कल स्टेडियम जाएगा और मुझे हराने का हर संभव प्रयास करेगा। बट आई न्यू दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग परंतु मैं जानता था कि वह चाहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूं चाहे ऐसा करने में मैं ही जीत जाऊं। As it happened जैसा घटित हुआ मतलब ऐसा ही हुआ लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड लुज ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन डूइंग सो ऐसा करने में ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस ऐसा करते हुए इसने अच्छा प्रदर्शन करने का मेरा साहस बढ़ाया।
आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जैम द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 5.5 16 inches ही वा एट माई साइड। मुझे याद है उस क्षण जब मैंने अपनी निराई कूद लगाई जिसने 26 feet 5.5 16 inches का रिकॉर्ड स्थापित किया था। ही वह मुझे बधाई देने के लिए मेरे पास था। कन्वर्टिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स ऑन स्टैंड नॉट 100 yards अवे। डिस्पाइट इसकी चिंता न करते हुए दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस कि हिटलर हम लोगों की ओर घूर रहा था। दैट स्टैंड नॉट 100 yards अवे जो 100 गज से भी कम दूरी से हमें घूर कर देख रहा था। लुज सूक माई हैंड हार्ड लुक ने गर्मजोशी से मेरे हाथों को सख्ती से पकड़ ली। एंड इट वॉज नॉट फॉल्स स्माइल और ये झूठी मुस्कुराहट नहीं थी। विथ इस ब्रोकन हार्ट एक टूटे हुए हृदय के साथ शार्ट ग्रिप आइदर और ये एक मजबूत सख्त पकड़ थी। आइए इसका हिंदी हम फिर से बता देते हैं। एज इट हैपेंड जैसा कि घटित हुआ लुज ने अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करते हुए उसने अच्छा प्रदर्शन करने का मेरा साहस बढ़ाया। मुझे याद है उस क्षण जब मैंने निराई कूद लगाई जिसने 26 feet 5.5 16 inches का रिकॉर्ड स्थापित किया था। वह मुझे बधाई देने के लिए मेरे पास था। इसकी चिंता न करते हुए कि हिटलर 100 गज से भी कम दूरी से हमें घूर कर देख रहा था, परंतु लुज ने सख्ती से मेरा हाथ दबाया और उसकी दुखी हृदय से भरी मुस्कान नहीं थी बल्कि गर्म जोशी की सख्त पकड़ थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स। आप मेरे सभी स्वर्ण पदकों और कप को पिघला सकें। आई हैव एंड दे वुड नॉट जो मेरे पास एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेंटिंग ऑन द 24 कैरेट। तो वह 24 कैरेट कप एंड दे वुड नॉट बी प्लेंटिंग ऑन द 24 कैरेट। परंतु कोई भी लुज लॉन्ग और मेरी सच्ची मित्रता पर 24 कैरेट की कावड़ नहीं चढ़ा सकता था। फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लुज लॉन्ग एट द मोमेंट। उस क्षण जब मैंने लुज लॉन्ग से अपनी मित्रता अनुभव की तब उस क्षण लुज लॉन्ग के बारे में मैंने अनुभव किया कि वे समस्त स्वर्ण पदक जो मेरे पास हैं पिघलाए जा सकते हैं परंतु कोई भी लुज लॉन्ग और मेरी सच्ची मित्रता पर आवरण नहीं चढ़ा सकता, मतलब 24 कैरेट की मित्रता। आई रियलाइज देन तब मैंने अनुभव किया, तब मैंने जान लिया टू दैट लुज वॉज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ वाट पियरे डी कुबर्टिन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। उस समय मैंने यह जान लिया कि लुज आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन की उस भावना का सच्चा उदाहरण है। मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड जो उनके मन में यह विचार व्यक्त करते समय रही होगी द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण वस्तु इज नॉट विनिंग जीतना ही नहीं है बट टेकिंग पार्ट बल्कि भाग लेना महत्वपूर्ण चीज है भाग लेना। द एसेंशियल थिंग इन द लाइफ इज नॉट कंक्वरिंग बट फाइटिंग विल जीवन में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि संघर्ष अच्छी तरह संघर्ष करना है। आई रियलाइज देन टू दैट लुज वॉज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ वाट पियरे डी कुबर्टिन फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स मस्ट हैव हैड इन द माइंड व्हेन ही सेड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। उस समय मैंने जान लिया कि लुज आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता
पीरे डी कोबर्टिन की उस भावना का सच्चा उदाहरण है जो उसके मन में यह विचार व्यक्त करते समय रही होगी, ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भाग लेना है, ना कि जीतना। द एजेंटियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग विल। जीवन में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं वरन अच्छी तरह संघर्ष करना है। ये प्रिय बच्चों, देखिए ये पाठ अब समाप्त होता है, इसके क्वेश्चन आंसर को हम बाद में अपलोड करेंगे।